हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको भी बताया कि टाइमिंग चेन किस तरह से हमको सेट करनी है। अगर आपको आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये होंडा शाइन बाइक है और होंडा स्प्लेंडर के लिए किस तरह से, हीरो होंडा स्प्लेंडर में किस तरह से सेट करना है उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी हम टैपेट किस तरह से सेट करते हैं होंडा में, होंडा शाइन स्टैंडर में, वो आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें ये जो टैपेट की जो ये जो नट है इसको लूज़ कर लेना है, ठीक है। इसको लूज़ करने के बाद ये जो ऊपर का स्क्वायर जो नट है उसको टाइट करना है, और ये जो गेज है 5 नंबर का गेज है, 5 नंबर का, इससे हम इसकी जो गैप है वो सेट कर लेंगे और फिर इस नट को हम टाइट कर लेंगे वापस। या सेवन इसी तरह से एग्जॉस्ट साइड की जो टैपेट है यहाँ पे हम 7 नंबर का गेज रखेंगे और 7 को भी हम 7 नंबर के गेज पे सेट करके उसके बाद ये नट जो है वो टाइट कर देंगे। ठीक है, टैपेट सेट करने से फ़ायदा ये होता है कि अनवांटेड जो नॉइज़ आता है इंजन रनिंग के टाइम में, जो नॉइज़ ज़्यादा रहता है तो वो थोड़ा बहुत तो नॉइज़ रहेगा लेकिन वो ज़्यादा इरिटेटिंग वाला नॉइज़ होता है वो नहीं रहेगा। एकदम इसको टाइमिंग को सेट करने के लिए हमें इसके गेज का यूज़ करके इसको सही से सेट करके ये नट वापस लगा देनी है, टाइट कर देनी है। बस ज़्यादा कुछ इस पर प्रॉब्लम बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान रहे ये रखना है कि टाइमिंग सेट करने के बाद तुरंत हमें ये जो टाइमिंग का पोजीशन है सेट करने के वाला, ये जो यहाँ पे मैग्नेट में आपको ये देख रहे हैं आप, ये टॉप पे है, अभी पिस्टन टॉप पे है, टाइमिंग चेन इस लोकेशन पे होना चाहिए। ये होने के बाद हम तुरंत टैपेट को सेट करेंगे। इसी लोकेशन में होने के बाद हमको ये सेट करना है, इसके अलावा और कोई लोकेशन में अगर ये है तो तब सेट करना नहीं चाहिए। ठीक है, होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना, जिससे आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।